हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? भाई, हमेशा हमें एक डाउट होता है कि भाई जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं तो क्लच का इफेक्टिवली यूज़ कैसे करें, और इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम निकल के आती है कि भाई आपको जो है ब्रेक कब यूज़ करना है और क्लच कब यूज़ करना है। तो भाई आज उसी कंडीशन को हम लाइव टेस्ट करेंगे। भाई आपको बताएंगे कि भाई कैसे आपको जो है अपने इन दोनों चीज़ों को मास्टर करना है इफेक्टिवली। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि भाई गाड़ी के जो ब्रेक हैं आपको कब पहले लेने हैं जब आप गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पर हम जो चेक करेंगे ना, वो रोड होगी थोड़ा सा कर्वी, जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे कि भाई आपको जो है कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है ब्रेक का और क्लच का। आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई मुझे अपने जो है ब्रेक्स और क्लच को कैसे कैसे यूज़ करना है। अब भाई यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ये सारी कंडीशंस है ना, ये बदल जाती हैं जैसे ही आपकी जो ड्राइविंग कंडीशन है वो चेंज होती हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ें सेम रहती हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर आप कर्व पे जा रहे हैं ना तो आपको ब्रेकिंग और क्लच का कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जब भी हम चलते हैं ना कर्व वाली रोड पे जिसपे मोड़ ज़्यादा होते हैं, तो उसमें चलने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप चलेंगे, जिससे कि आपकी जो क्लच और ब्रेकिंग टेक्निक है ना वो इफेक्टिव हो जाए और आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि नए नए जब गाड़ी चलाना सीखते हैं ना तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इस चीज़ में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं आप टर्न आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है अभी, तो सबसे पहले हम अपना जो है गियर इंगेज करेंगे। और गियर इंगेज करने के लिए देखिए, ये मैंने फर्स्ट में डाला, और धीरे से आप अपना जो है क्लच को रिलीज करके और रेस देंगे ताकि आपकी गाड़ी जो है स्लोली स्लोली पिक करना स्टार्ट करें। अब फुट मूवमेंट भी आप देखते रहना कि कैसे कैसे होता है। और यहाँ पर देखिए, मैंने सेकंड गियर शिफ्ट करा और फिर आपको अपना पैर हटा देना है। ध्यान रखें क्लच पे कभी भी पैर को ज़्यादा टाइम ना रखें। और आप देखिए, ये हमने थर्ड पे शिफ्ट कर दिया है और पैर अपना नीचे रख दीजिए। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही मोड़ आएंगे ना, अगर मोड़ ज़्यादा तेज़ है तो आपको हल्का सा ब्रेक लेके फिर अपनी रेस देनी है। और यहाँ पर कई लोग क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं कि भाई आपको जो है क्लच और ब्रेक को कैसे यूज़ करना है, मतलब कौन सी चीज़ पहले लगानी है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मोड़ आ गया है, यहाँ पर हल्का सा रेस दे, क्योंकि रेस अभी ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर से हमारा जो है असली काम स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं अभी चलना शुरू हो गए, अब यहाँ पर देखिए ये हल्का सा मोड़ आएगा ना, तो यहीं पर दिक्कत स्टार्ट होती है। जैसे लोगों को क्या होता है कि क्लच और ब्रेक में से क्या पहले दबाना है। अब थोड़ा सा अगर मोड़ है, मतलब स्पीड अगर आपकी ज़्यादा नहीं है, तो आप हल्का सा ब्रेक लेके रेस अपनी दे सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा स्पीड कम करनी है तभी आप अपने क्लच का यूज़ करेंगे। अब देखिए ये मोड़ आ गया है, यहाँ पे मैं हल्का सा ब्रेक लूंगा, मुझे गाड़ी रोकनी नहीं है, हल्की सी स्पीड कम भी, और फिर मैं अपनी रेस जो है इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा जो है अपना जो ब्रेक है इसको हल्का सा लेके फिर अपनी जो है रेस को प्रेस करना है। अब एक दूसरा केस देख लेते हैं कि भाई क्लच कब हमको प्रेस करना है। देख, और यहाँ पर जो है मुझको जो है बिल्कुल से स्पीड बहुत ज़्यादा हल्की करनी है। तो देखिए, ये मैंने ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने क्लच दबाया, गियर मैंने डाउन करे। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपकी स्पीड ग्रेजुअली एकदम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी ना, उस सिचुएशन में आपको क्या है, अपना क्लच भी यूज़ करना है। तो ये देखिए, हल्का सा मोड़ आएगा तो आपको ब्रेक लेना है, ज़्यादा नहीं कि मतलब आपको गाड़ी रोकनी है, तो हल्का सा आप ब्रेक लेके गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करेंगे और उसके बाद आप रेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मोड़ ज़्यादा आ चुका है, तो यहाँ पर भी हम हल्का सा ब्रेक लेंगे ताकि गाड़ी थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, और उसके बाद हम चलना कंटिन्यू करेंगे। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोड़ भी बहुत टाइप के होते हैं, कुछ शार्प होते हैं, कुछ हल्का सा होते हैं। तो शार्प मोड़ों में ना आपको क्लच का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको गियर शिफ्टिंग वहाँ पर करनी पड़ेगी। तो जिस भी कंडीशन में आपको गियर शिफ्टिंग करनी है तो क्लच आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो अब देखिए सामने पे क्या है कि थोड़ा सा चढ़ाई भी लग गई है, और ये अच्छी सिचुएशन है, यहाँ पे आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा। तो ये जंक्शन है, यहाँ पे आपको स्पीड कम करनी है और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा डाउनशिफ्ट करने पड़ेंगे, तो आप क्लच भी ब्रेक के बाद लेंगे। तो आपने ये गियर शिफ्टिंग करी और स्पीड ब्रेकर आ गया, तो यहाँ ब्रेक लेके क्लच दबाएंगे और गियर डाउन करेंगे। तो अब आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ गई होगी कि भाई कभी भी आपको अगर क्लच डाउन शिफ्टिंग करनी है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो आपको ब्रेक के साथ क्लच का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। अब देखिए ये मोड़ आया है, यहाँ पे हल्का सा ब्रेक लूंगा मैं, पर स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे क्लच की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ मुझे कोई भी डाउन शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ी और गाड़ी को बंद होने से रोकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है। आप देख सकते हैं ये शार्प मोड़ आ गया है यहाँ पे, ये देखिए। और अब यहाँ पर जो मोड़ है इस पर मुझे क्लच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा शार्प है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाउन शिफ्ट करूँगा और उसके बाद देखिए ये मैंने स्पीड कंट्रोल कर।
तो इससे आप ये समझिए कि जब भी कोई ऐसी जगह जहां पर कि आपको अपने गियर जो है डाउनशिफ्ट करने पड़ रहे हैं एक या दो, तो वहां पर आपको अपना क्लच भी यूज करना है, और उसके अलावा कहीं पर भी अगर आपको सिर्फ हल्का सा ब्रेक लेके स्पीड को कंट्रोल करना है या मोड़ हल्का सा है तो वहां पर आपको जो है अपने सिर्फ ब्रेक का यूज करना है, उसके बाद आप क्लच को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए पीछे से गाड़ी आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मुझे स्पीड हल्की करनी है तो मैंने यहाँ पर क्लच का भी यूज करा है, और ये देखिए अब फिर से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ये गियर शिफ्टिंग करी और उसके बाद स्मूथली ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्लच और जो ब्रेक है इसे कंट्रोल करना है जब भी आप पहाड़ी रास्तों पे चलते हैं। तो भाई ये थी सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कर्व वाली रोड पे चलते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।